नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, क्लाउड किचन है, पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे कहने का मतलब अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी फूड बिज़नेस हो सकता है, क्लाउड किचन मैंने बता दिया, रेस्टोरेंट, टेक अवे, फूड ट्रक हो गया, आप लोग घर से कुछ काम करना चाहते हैं, घर से ही अपने क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग घर से ही किसी प्रकार की डिलीवरी मॉडल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर से बेकरी पेस्ट्री का काम करना या बेकरी पेस्ट्री की शॉप खोलना, पर हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड नहीं है, आपने होटल्स में जॉब नहीं करी है, तब भी आप लोग ये कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाएगा। उसके अलावा मैंने एक ब्लूप्रिंट रेडी करा है, आप बोल सकते हैं कि F&B का, F&B फूड एंड बेवरेजेस का, और दूसरा मैंने यहां पे एक छोटी सी बुकलेट रेडी करी है जिसके कि अंदर मैंने बताया है कि अगर आप क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट या QSR वगैरह चला रहे हैं तो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे नीचे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको कि जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं वो आपको जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दूंगा। जब भी वीडियो आएगी उसके 2-3 दिन के बाद ही मैं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, सबको एक साथ दे पाना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य और धीरज रखिएगा। और जो ये मैंने जो भी मैंने इसमें चीज़ें बताई है या समझाई है वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। मेरे लगभग 200 से ज़्यादा क्लाइंट ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। अगर आप मेरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे मैं पिक्चर्स डालता रहता हूँ, मेरे व्हाट्सअप बिजनेस के जो स्टेटस है वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको मेरे पुराने क्लाइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, हम लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग होटल के शेफ़ होते हैं, कोई मैनेजर होते हैं, हम टीचर्स होते हैं, या इसी प्रकार के अलग अलग प्रोफेशन में रहते हैं। पर जब हम लोग एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यही डर रहता है कि मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस है, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं इस बिज़नेस में फेल होऊंगा या होंगी, तो मैं ऐसे में क्या करूं? तो पॉइंट सबसे पहला यहाँ पे आता है कि हमें अपनी वीकनेस को और अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। मैं अगर एक होटल इंडस्ट्री में हूँ और मैं शेफ़ हूँ, तो जो मेरी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो है मेरी प्रोडक्शन की, मतलब कि मुझे कुकिंग के बारे में मालूम है। पर अगर वहीं मैं एक इंजीनियर हूँ तो मेरा हो सकता है कि मेरे जो मार्केटिंग स्किल्स हो वो अच्छे हो, मुझे लोगों को एक साथ रखना अच्छे से आता हो, टीम मैनेजमेंट मुझे आती हो, पर मेरा जो यहाँ पे मेरी जो वीकनेस है वो मेरी कुकिंग है। तो जब भी आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, आप लोगों को वो पता होनी चाहिए, और जो भी आपकी वीकनेस है आपको उसके लिए उस टाइप के बंदे हायर कर लेने चाहिए। जैसे अगर आपको मार्केटिंग का काम नहीं आता तो एक अच्छा मैनेजर हायर कर सकते हैं जिसको कि अच्छे से मार्केटिंग का काम करना आता हो। अगर आपकी कुकिंग वीकनेस है तो आप एक अच्छे शेफ़ को हायर कर सकते हैं, एक अच्छे कुक को हायर कर सकते हैं, जो कि आपकी उस चीज़ को फुलफ़िल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसको अच्छे से और यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। जैसे कि मैं शेफ़ हूँ, मैं अपनी जो भी मेरी पोटेंशियल है, जो भी मेरी यहाँ पे बोल दीजिए, मेरे को जो भी कुछ आता है मैं उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है मैं अपने कोर्सेज भी सेल करता हूँ, लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और अपने खुद के भी बिजनेसेस करता हूँ। तो जो भी अगर आप फूड बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मार्केटिंग में था, उसने अपना एक क्लाउड किचन का बिजनेस खोल दिया, तो उसको अच्छे से मार्केट करना चाहिए अपनी चीजों को। ये नहीं कि वो उन चीजों के पीछे लग जाए जिनके कि पीछे उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो कुकिंग के पीछे लग जाए। इससे अच्छा है कि आप उसको हायर कीजिए और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप अच्छे से काम कीजिए। दूसरा, यहां पर आपको एक ऐसा, जो दूसरा पॉइंट है, वो ऐसा फूड कॉन्सेप्ट चूज करना है जो कि हाई इन डिमांड है। आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि आपको ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आना है, पर जब हम उस फील्ड से होते ही नहीं, हम उस यूनिक कॉन्सेप्ट को कभी ढूंढ ही नहीं पाते, या ढूंढने में इतना समय लग जाता है कि हम वो बिज़नेस ही नहीं कर पाएंगे, फूड बिज़नेस, या ऑलरेडी उसमें नुकसान कर देंगे। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले लेना चाहिए जो कि ऑलरेडी हाई इन डिमांड है, पर उसमें हमें अपनी यूनिकनेस डालनी चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे बिरयानी के ब्रांड्स हैं, बिरयानी बेचते हैं वो, जो कि हमारे जो आप बोलते हैं जो मट्टी के मटके होते हैं उस टाइप के, उसके अंदर, जिसको कि हम लोग टेराकोटा के मटके बोलते हैं, उसके अंदर अपनी बिरयानी सर्व करते हैं। तो बिरयानी तो वही है पर उनका यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से आप सेम चीज़ें ही बेच सकते हैं, पर आपको उसमें अपनी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। आप किसी भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप किसी एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं कि भाई मैं क्या बेचूँ, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो आपको अच्छे से बता पाएगा।
वहीं आप अगर खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इतना समय बीत जाएगा या फिर जो आप चूज़ करेंगे वो गलत होगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं, वो अपने आइडियाज़ बताते हैं क्योंकि वो इस फील्ड के नहीं होते हैं, पर जब उनको आइडिया को बोलते हैं कि नहीं ये आइडिया आपको नहीं चलेगा, लोग तब भी इंसिस्ट करते हैं नहीं मेरा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, फिर कुछ समय के बाद वो बिज़नेस एकदम फ्लॉप हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट की सलाह लेनी है या फिर एक जर्नल जो भी हाई इन डिमांड है, जैसे कि बिरयानी आपकी हाई हमेशा डिमांड में रहती है, हमारे फास्ट फूड हमेशा डिमांड में रहते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी यूनिकनेस के साथ। तीसरा यहाँ पे बात आती है लोकेशन की, आपको लोकेशन अच्छे से चेक करनी है। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे कि आपको पार्किंग का स्पेस हो, टेक अवे हो, तो जहाँ पे कुछ ऐसी आगे की आगे आपका स्पेस हो जहाँ पे लोग खड़े होकर खा सके। अगर आपने टेबल्स लगाई हैं, क्लाउड किचन है तो आप लोग कम रेंट वाली जगह भी ले सकते हैं, फ्लैट से भी काम कर सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको किस प्रकार का फूड बिजनेस करना है। तो लोकेशन भी यहाँ मैटर करती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो किसी जंगल में खोल लीजिए जहाँ ना कोई खाने वाला हो और ना कोई आपके राइडर्स आपके पास पहुँच पाए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि नो योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर्स को पहचानना है। आपके कस्टमर वही हैं जो कि आपके दायरे के अंदर आते हैं। अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो आपके जो कस्टमर हैं वो 3 से 5 किलोमीटर के अंदर हैं। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आजू बाजू की जो भी सोसाइटीज़ हैं, अगर कोई स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वही आपके कस्टमर हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे मतलब जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें देख के अपने माइंड को ऐसे नहीं कर लेना है कि मेरे जो कस्टमर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। आपके कस्टमर वही है जो आपको आपके पास हैं, और आपको अपने कस्टमर के अनुसार अपने खाने को बेचना है। अगर मान लीजिए मेरे जो क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट है एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अगर मैं यहाँ पर राजमा चावल बेचूँगा या दाल सब्जी बेचूँगा तो नहीं बिकेगी। यहीं अगर मैं एक टिफ़िन सर्विस के तौर पर उनको बेचूँगा तो लेंगे, पर वहीं अगर मैं रेस्टोरेंट एक फास्ट फूड का खोलूंगा, पिज़्ज़ा का, पास्ता का, तो मेरे कस्टमर अच्छे और ज़्यादा बढ़ेंगे, मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें अपने कस्टमर को पहचानना पड़ेगा। जब हम उन्हें पहचान पाएंगे तभी हम उनको क्या खाना देना है, क्या उनको सर्व करना है वो पता लगा पाएंगे, नहीं तो हमारा यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमें अपने बिज़नेस प्लान को बनाना। आपको अपने बिज़नेस प्लान को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिज़नेस प्लान कैसे, कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कैपिटल्स की बात करते हैं, इक्विपमेंट की, मैन पावर की, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, मार्केटिंग की, आपके प्रोफेशनल सर्विसेज की, लाइसेंसिंग की, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए। और हमारे अलग अलग फेसेस होते हैं, हमारे इनिशियल फेसेस होते हैं, जबकि हमने स्टार्ट भी नहीं किया होता है तो उस समय आपको सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए। फिर कुछ समय के बाद आप लोग, अगर अधिकतर होता है कि आप लोग अपनी जो बिजनेस प्लान छोड़ देते हैं बीच में, उसके बाद जब आपका बिजनेस एक मिडिल एज पे आ जाता है कि लगभग मान लीजिए कि 2-3 महीने हो जाते हैं, तब भी फिर से आपको दोबारा से अपनी जो बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए। आपको अपना जो पुराना डाटा आपके पास आ चुका है उसके अनुसार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है या फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जाननी है, उन सब चीज़ों से जाननी चाहिए और अपने बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपने बजट फिर से सेट कर सकते हैं, और यही एक आप बोल दीजिए कारण होगा आपके लिए जाके एक अच्छे बिजनेस मॉडल को। इस समय में आप लोग ये भी जज कर सकते हैं कि आपको बाहर से फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके पास अगर आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे अच्छी है तो आपको बाहर से फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अपने बिजनेस प्लान को सिर्फ एक बार बना के ख़त्म मत कीजिए, उसे पूरे साल चलाइए, सालों साल चलाइए, तभी जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे या फिर अपने जो बिजनेस को उसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जा पाएंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, ऑलवेज कीप लर्निंग। आपको हमेशा सीखते रहना है। हम लोग जब भी सीखना छोड़ देते हैं हम लोग समाज से कट ऑफ हो जाते हैं या इस दुनिया से ही कट ऑफ हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं शेफ था, मैंने सीखा डिजिटल कैसे आया जाता है, अपनी चीज़ें जब हम लोग जब नॉर्मली होटल्स में जॉब करते थे या कोई कंसल्टेंसी करते थे तो सिर्फ कुछ लोगों तक ही हम पहुंच पाते थे, पर जैसे कि हम लोग डिजिटली आ गए, मैं खुद डिजिटली आ गया, तो अब हम लोगों को ज़्यादा सर्व कर पा रहे हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और अपनी यहाँ पे खुद की ब्रांडिंग कर पा रहे हैं। तो सेम आपको हमेशा सीखते रहना है। हो सकता है कि आपको एक छोटा सा बर्तन धोने वाला कुछ सिखा दे, एक शेफ को सिखा दे, एक मैनेजर आपको कुछ सिखा दे, तो हमेशा अपना लर्निंग का एटीट्यूड रखना है। अगर आप लर्निंग का एटीट्यूड रखेंगे तो आपको यहाँ से पैसों की ही बचत होगी। जब आपको वो काम आ जाएगा तो आप किसी बंदे को ट्रेन कर सकते हैं, किसी बंदे को कम सैलरी में ला के उसे ट्रेंड करके उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो जब आप लर्निंग करना छोड़ देते हैं तो हम अगर हम लर्निंग करना छोड़ देते हैं तो हम लोग अपने बिजनेस को खुद ही सफल
प्रेफर करने लग जाते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, देखा होगा आप लोगों ने, मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स भी बनाने लग गया हूँ, मेरे गूगल के जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी आने लग गए हैं, क्योंकि उनकी मार्केट में ज़रूरत है और आप लोग देखना पसंद करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप अपने एक फूड बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपने वीडियो अब तक देख ली है। अगर आपने वीडियो अब तक देख ली है तो मेरे कई सारे, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर मेरे कई सारे प्रोग्राम है, फूड बिजनेस के मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरी क्लासेस होती है 1-to-1 पर्सनली मैं लोगों को क्लासेस देता हूँ, मैं वो भेड़ चाल वाली चीज़ें नहीं करता कि भाई इतने लोगों को बुला लो और ये कर लो, एक्चुअली में वो चीज़ें मायने भी नहीं रखती हैं। तो चलिए, बाकी कुछ भी हो नीचे मेरे व्हाट्सअप का नंबर